हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सेकंड सेशन सिलेबस. ठीक है, ऑल्दो वी आर वेरी लेट टू दिस, बट स्टिल वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 8, दैट इज क्रिसमस डे इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखा हुआ है. क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ पीस, लव एंड गुड विल टू ऑल. द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज लव एंड काइंडनेस. रीड दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ अ बॉय हु अंडरस्टैंड द true spirit of Christmas and gifts his loved ones the most precious gift, the gift of love and kindness. तो मतलब क्या है कि क्रिसमस की जो ये स्टोरी है वो उसमें हमें क्या बताया गया है इस स्टोरी में कि एक पर्सन है या एक बॉय है वो क्या करता है क्रिसमस के फेस्टिवल के ओकेजन में वो अपने लव्ड वन को एज अ गिफ्ट क्या देता है लव क्या देता है लव और क्या शो करता है अपनी काइंडनेस. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये अपने क्या है क्रिसमस के टाइम की स्टोरी है. तो क्रिसमस के आसपास के दिनों की बात इसमें एक पर्सन से रिलेटेड हम कुछ बातें पढ़ेंगे. ठीक है, ही वॉक सडनली एंड कम्प्लीटली. और वन थिंग मोर, जो लाइन्स जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो आप देख लीजिए, उनके मीनिंग्स भी मैं साथ के साथ बताऊंगी. ठीक है, बट स्टिल इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनी अनदर वर्ड देन प्लीज आस्क मी. ठीक है, He walked suddenly and completely. It was 4 o'clock, an hour, the hour at which his father had always called him to get up and help with the milking. क्या कह रहा है ये कि suddenly वो एकदम से जागा. suddenly मतलब एकदम से पूरी तरह से वो जाग गया. तो क्या टाइम था, 4 बजे हुए थे. ठीक है, वो वही टाइम था जब उसके फादर उसको हमेशा से उठाते थे और बोलते थे कि वो उनको मिल्किंग में हेल्प करे. मिल्किंग मतलब उनके पास कैटल्स होंगे. ठीक है, तो कैटल्स के लिए मिल्क आप अगर निकालेंगे तो वो मॉर्निंग का टाइम ही होता है, 3-4 अप्रॉक्स 5 अप्रॉक्स हम वो काम करते हैं. तो वो क्या बोलता है कि उसके फादर जो थे उसको 4 o'clock उठाते थे और क्या कहते थे कि उनको उसके फादर को वो उनके साथ मिल्किंग में हेल्प करे. ठीक है, स्ट्रेंज हाउ द हैबिट ऑफ हिज यूथ क्लंग टू हिम स्टिल. हिज फादर हैड बीन डेड फॉर 30 years एंड येट ही वॉक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. He had trained himself to turn over and go to sleep, but this morning because it was Christmas, he did not try. तो क्या बोला गया है, strange मतलब बहुत अचरज वाली बात है या अचंभे वाली बात है या surprise जो हम बोल सकते हैं. ठीक है, surprise वाली बात है. क्या बात है कि उसकी जो ये habit है 4 बजे उठने की वो उसको बचपन से ही सिखाई गई, तो उस habit ने उसको अभी तक भी क्लंग मतलब अभी तक भी ऐसे बांध के रखा हुआ है. ठीक है, मतलब वो उसकी हैबिट अभी तक भी बनी हुई है जो उसके फादर ने उसको बचपन से ही सिखाई थी. मतलब उसके फादर उसको डेली 4 o'clock उठा देते थे. तो उसके फादर को मरे हुए भी 30 साल हो चुके हैं लेकिन वो अभी भी 4 बजे ही उठता है सुबह के टाइम. लेकिन उसने अपने आप को ऐसे ढाल लिया है कि वो 4 बजे उठता तो है लेकिन वापस फिर से सो जाता है. लेकिन आज वो दोबारा नहीं सोया. क्यों? क्योंकि आज क्या है, क्रिसमस है. ठीक है, Yesterday she had yet where was the magic of Christmas now? His own children had grown up and gone. He was left alone with his wife. Yesterday she had said, "Let's not trim the tree until tomorrow, Robert. I am tired." He had agreed, and so the tree remained out in the back entry. तो क्या बोला गया है कि आज क्या है, वो नहीं सोया दोबारा से. क्यों? क्योंकि क्रिसमस का दिन था. ठीक है, लेकिन वो अपने बचपन को याद करता है और बोलता है, ये सोचता है कि क्या क्रिसमस का वो मैजिक कहाँ चला गया, कि मतलब लोग इतने एक्साइटेड होते थे लेकिन आजकल क्या है, वो एक्साइटमेंट लोगों में कम नजर आ रही है. ठीक है, वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है तो क्या उसको याद आता है कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं और वो भी उसके साथ नहीं है. वो अपने वर्क प्लेस पर सेटल हो गए हैं या अपनी फैमिली में सेटल हो गए हैं. अब वो अपनी वाइफ के साथ ही अकेला रहता है. तो कल उसकी वाइफ ने क्या बोला था कि आज हम अपने ट्रीज की कटिंग नहीं करेंगे रोबर्ट, हम मैं थक चुकी हूँ. ठीक है, रोबर्ट भी मान जाता है, ठीक है हम ट्रीज को नहीं कट करेंगे. और क्या देखते हैं कि ट्री जो है वो अभी आज के टाइम थोड़े बढ़ गए हैं क्योंकि कल उन्होंने उसकी ट्रिमिंग नहीं की थी. वाई डिड ही फील सो अवेक टू नाइट, इट वॉज स्टिल नाइट क्लियर एंड स्टारी. Why did he feel so awake tonight? It was still night, clear and starry. No moon, of course, but the stars were extraordinary.
Now that he thought of it, the stars seemed always large and clear before the dawn of Christmas day. आज उसको एकदम से ऐसा लग रहा था कि उसको नींद नहीं आ रही है. क्यों? क्योंकि उसके मन में एक्साइटमेंट थी. किसको लेकर? क्रिसमस को लेकर. ठीक है. इट वॉज स्टिल नाइट, अभी तक भी रात थी. क्लियर और स्टारी मतलब आसमान साफ था और उसको स्टार्स जो हैं वो क्लियर नजर आ रहे थे. ठीक है. कोई मून नहीं था स्काई में ऑफ कोर्स, बट स्टार्स वर एक्स्ट्रॉर्डिनरी. और एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब कि वो स्टार्स जो थे इतने प्रोमिनेंटली उसको विजिबल हो रहे थे, क्लियरली विजिबल हो रहे थे. ठीक है. नाउ दैट ही थॉट ऑफ इट, द स्टार्स सीम्ड ऑलवेज लार्ज. अब उसको क्या याद आता है कि स्टार्स हमेशा ही क्रिसमस से पहले वाली रात को इतने क्लियर और साफ दिखाई देते हैं आसमान में. ठीक है. डॉन ऑफ द क्रिसमस डे, डॉन मतलब मॉर्निंग लाइट जो होती है, मतलब जैसे आज की रात के बाद अगर कल क्रिसमस है तो आज रात को सुबह होने से पहले स्काई जो है बहुत क्लियर होता है और उसमें स्टार्स जो है बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं. इट वॉज 15 ईयर ओल्ड एंड स्टिल ऑन हिज फादर्स फार्म. ही लव्ड हिज फादर. ही हैड नॉट नोन इट अंटिल वन डे अ फ्यू डेज बिफोर क्रिसमस व्हेन ही हैड ओवरहर्ड व्हाट हिज फादर वॉज सेइंग टू हिज मदर. मतलब वो अपने पुरानी बात याद करते, जब वो छोटा था अपने फादर के फार्म में रहता था, जब वो 15 साल का था, वो अपने फादर से बहुत प्यार करता था और उसने कुछ दिनों पहले क्रिसमस से अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना था. ठीक है. अब उसके फादर उसकी मदर को कुछ बता रहे थे. ठीक है. कुछ बात कर रहे थे. क्या कह रहे थे? मैरी आई हेट टू कॉल रोबो इन द मॉर्निंग. ठीक है. ही इज ग्रोइंग सो फास्ट एंड ही नीड्स हिज स्लीप. इफ यू कुड सी हाउ ही स्लीप्स व्हेन आई गो इन टू वेक हिम अप आई विश आई कुड मैनेज अलोन. क्या कहता है अपनी वाइफ को मैरी. ठीक है. मतलब वो अपने फादर की बात याद कर रहा है, कब, जब वो बहुत छोटा था. क्या बोलता है वो, मैरी उसकी मदर का नाम है, तो बोलता है मैरी जब मैं इस रोबो को उठाने जाता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. मतलब मुझे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं सुबह सुबह उसको उठाने जाऊं, क्योंकि वो अब बड़ा हो रहा है और उसको इस एज में अपनी नींद जो है पूरी करने के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है. उसको अपनी नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर तुम उसको देखती हो, देखोगी कि वो कैसे सोता है, इतना प्यारा लगता है, तो मैं यह सोचता हूं कि मैं उसको ना उठाऊं और जो भी काम है मैं अकेला ही कर पाऊं. वेल यू कांट एडम. उसकी मॉम उसको, मतलब जो मैरी थी, वो अपने हस्बैंड एडम को रिप्लाई करती है, एडम तुम ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. हिज मदर्स वॉइस वॉज ब्रिक. ब्रिक मतलब थोड़ा एनर्जेटिक और लाउड वॉइस के साथ, कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. बिसाइड ही इज अन चाइल्ड एनी मोर. क्योंकि वो अब बच्चा नहीं रहा है, वो अब बड़ा हो गया है. इट्स टाइम टू टेक हिज टर्न. अब ये बारी उसकी है कि हम उसको बड़ा बनाएं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले. ठीक है. येस हिज फादर सेड स्लोली. उसका फादर स्लोली रिप्लाई करता है, हाँ, बट आई श्योर डू हेट टू वेक हिम. लेकिन मुझे फिर भी उसको उठाना बिल्कुल पसंद नहीं है. ऑन द नाइट बिफोर क्रिसमस दैट ईयर व्हेन ही वॉज 15 ही ले फॉर अ फ्यू मिनट्स थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे. ठीक है. क्रिसमस से पहले वाली रात को, ठीक है, जब वो 15 ईयर्स का था, वो उस टाइम की बात बता रहा है. तो उसने सोने से पहले कुछ अपने आप को मेमोराइज किया, या उसने अपने आप को कुछ टाइम दिया कि वो सोचे कि वो अपना नेक्स्ट डे को क्या करेगा. ठीक है. ही विश्ड ही हैड बॉट अ बेटर प्रेजेंट फॉर हिज फादर. उसने सोचा कि मैं अपने फादर के लिए कुछ अच्छा सा प्रेजेंट लेकर आऊं. एज यूजुअल ही हैड गॉन टू द 10 सेंट स्टोर एंड बॉट अ टाई फॉर हिज फादर. ठीक है. उसने सोचा कि यूजुअली जैसे मैं हमेशा से करता आया हूँ कि मैं एक स्टोर पर जाऊंगा और अपने पापा के लिए एक टाई लेकर आऊंगा. इट हैड सीम्ड नाइस एनफ अंटिल ही ले थिंकिंग एंड देन ही विश्ड दैट ही हैड हर्ड हिज फादर एंड मदर टॉकिंग इन टाइम फॉर हिम टू सेव फॉर समथिंग बेटर. फिर उसको क्या याद आता है, उसको लगता है कि हाँ ठीक है मैं टाई ले आऊंगा, लेकिन फिर वो एकदम से सोच में पड़ जाता है और उसको क्या ध्यान में आता है कि उसके मदर और फादर डिस्कस कर रहे थे कि हम कुछ मनी सेव कर सकें ताकि हमारे बच्चे का फ्यूचर जो है वो बेटर हो सके. ठीक है. ही ले ऑन हिज साइड हिज हेड सपोर्टेड बाय हिज एल्बो एंड लुक्ड आउट ऑफ हिज एटिक विंडो.
तो क्या करता है वो लेट जाता है साइड में, मतलब करवट लेकर लेट जाता है और अपने एक हाथ को अपने सिर के नीचे रख लेता है, जैसे हम टेढ़े होकर लेट जाते हैं, ठीक है। अपने एल्बो से हम अपने हेड को सपोर्ट करते हैं पिलो की बजाय, ठीक है। और वो अपनी जहां पर वो सो रहा था वहां से विंडो से बाहर देखता है, ठीक है। द स्टार्स वर ब्राइट, मच ब्राइटर देन ही एवर रिमेम्बर्ड सीन देम, एंड वन स्टार इज पर्टिकुलर विद वॉज सो ब्राइट दैट ही वंडर्ड इफ इट वर रियली द स्टार ऑफ बैथलम। अब वो क्या सोचता है कि बाहर देखता है तो उसको स्टार्स नजर आते हैं और वो स्टार्स इतने चमक रहे होते हैं कि उसको कभी इससे पहले नहीं लगा कि उसने ऐसे इतने चमकते हुए स्टार्स कभी देखे हैं। और एक स्टार तो मतलब पर्टिकुलर, मतलब हमें एक पर्टिकुलर स्टार की बात करते हैं, तो उसको एक स्टार तो ऐसे लग रहा था जैसे वो स्टार ऑफ बैथलम हो, ठीक है। स्टार ऑफ बैथलम क्या है? एक पर्टिकुलर स्टार है जिसको हमने नाम दिया है, जो कि बहुत ब्राइटेस्ट है, ठीक है। दैट इज वेरी ब्राइटेस्ट स्टार। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हमारा ध्रुव तारा, ठीक है, ध्रुव की जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार, हम बहुत ब्राइटेस्ट उसको मानते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में हम स्टार ऑफ बैथलम, हमने उसको नाम दिया है स्टार ऑफ बैथलम। डैड ही हैड वंस आस्क्ड व्हेन ही वाज लिटिल बॉय व्हाट इज अ स्टेबल, जब वो छोटा था उसने अपने डैड से पूछा था, डैड व्हाट इज अ स्टेबल, स्टेबल क्या होता है? तो उसके फादर बोलते हैं इट्स जस्ट अ बार्न। बार्न होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने अपना ग्रेन स्टोर करने के लिए एक, जैसे हम गेहूं को हम जहाँ स्टोर करते हैं या अपने और किसी खाने का, जैसे ज्यादा जो क्वांटिटी हमें हम लेकर आते हैं उसको जहां पर हम स्टोर करते हैं उसे हम बार्न बोलते हैं, ठीक है। तो उसके फादर बोलते हैं कि स्टेबल कुछ नहीं, एक बार्न होता है जैसे कि हमारा है। देन जीसस हैड बीन बॉर्न इन अ बार्न। तो क्या कहता है कि जीसस जो है वो बार्न में ही पैदा हुए होंगे, और जो शेफर्ड और जो अच्छे इंसान हैं जो आते हैं यहाँ पर, जो हमारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट भी लेकर आते हैं, वो भी बार्न से ही आते होंगे, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, बार्न एक रिच प्लेस हम कह सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे एडवांस में काफी चीज स्टोर करके रखते हैं। द थॉट स्टक हिम, एकदम से उसके माइंड में ये चीज स्ट्राइक करती है, वाई शुड ही नॉट गिव हिज फादर अ स्पेशल गिफ्ट टू आउट देयर इन द बार्न। वो उस बार्न से बाहर निकल के कुछ अपने फादर को कुछ स्पेशल क्यों नहीं देता, मतलब कि ऐसा सोचा उसने कि मैं क्यों बार्न में गिफ्ट रखूं अपने फादर के लिए, मैं कुछ और कुछ स्पेशल गिफ्ट देता हूँ जो मुझे बार्न में ना रखना पड़े, ठीक है। ही कुड गेट अप अर्ली अर्लियर देन 4 o'clock। वो क्या किया उसने, वो बहुत जल्दी उठा 4 बजे से भी पहले, एंड क्रीप इन टू द बार्न, और रेंगता हुआ ताकि मतलब शोर ना हो गुडलियां चलता हुआ बार्न में गया, एंड गेट ऑल द मिल्किंग डन। तो बार्न में जाकर उसने क्या देखा कि वो सारा काम कर देता है जो डेली उसके फादर करते हैं, क्योंकि उसके फादर उसको डेली मिल्किंग की हेल्प के लिए उसको उठाते थे। तो वो क्या करता है, आराम से जाता है और सारा काम अपने फादर का कर देता है। ही हैड डू इट अलोन, वो अकेला ही वो सारा काम करता है, दूध भी निकालता है, सारी सफाई कर देता है, ठीक है। एंड देन व्हेन हिज फादर वेंट इन टू द स्टार्ट द मिल्किंग ही हैड सीन इट ऑल डन, ही वुड नो हु हैड डन इट। जैसे उसके फादर मिल्किंग करने के लिए जाते हैं तो देखते कि ये सारा काम तो हो चुका है, ठीक है। फिर लेकिन उन्हें फिर भी पता होता है कि ये सब किसने किया होगा, ही वुड नो, कि उन्हें पता ही था शायद कि ये वो किसने किया। ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही गेज्ड एट द स्टार। वो अपने आप पर बहुत अंदर ही अंदर, जैसे खुशी की मुस्कुराहट होती है, वो अंदर ही अंदर हंसता है और स्टार्स को देखने लगता है। गेज मतलब एक प्यारी सी अच्छी सी नजर से हम निहारना, मतलब उनको लगातार देखते रहना, ठीक है। दिस वॉज वॉट ही वुड डू एंड ही मस्ट एंड स्लीप टू साउंड। यही वो चीज थी कि जो वो शायद कर सकता था, और वो उस रात सोया भी नहीं था। ही मस्ट हैव वेकन 20 times, कम से कम वो 20 बार उठा होगा। उसने मैच स्टिक से बार बार टाइम देखा अपनी पुरानी घड़ी में, पहले आधी रात थी, फिर 1:30 बजा था, फिर 2 बजा था, ठीक है, एट अ 2:45, ठीक है। जब 3 बजने वाले थे तब वो उठ गया, उसने अपने कपड़े पहने, आराम से रेंगता हुआ वो स्टेयर से नीचे आया, और बिल्कुल सावधानी के साथ, केयरफुल ऑफ द क्रिकी बोर्ड। क्रिकी बोर्ड मतलब जैसे आपका कुछ भी वुडन का सामान है तो उसका जो आवाज आएगी, जैसे मुड़ने से, जैसे आप बोलो कि जैसे दरवाजा खोला तो चर्र से आवाज आई,
ठीक है, जैसे आप अगर वुडन फ्लोर पर चलो तो अगर वुडन फ्लोर की टाइल्स जो है वो ठीक से प्लेस नहीं होंगी तो कट कट, जैसे आप पैर रखो नीचे जाएगी फिर वो ऊपर आएगी, तो क्रिकी साउंड जो वुड की वॉइस होती है वो वुडन वॉइस, ठीक है। तो वो उस सब से बचते हुए उसने धीरे धीरे क्या किया, वो अपने आप को सारी मतलब कि कुछ भी आवाज ना हो ताकि किसी को भी पता ना लगे, ठीक है। द बिग स्टार हंग लोअर ओवर द बार्न रूफ, द रेडिश गोल्डन, द काउ लुक्ड एट हिम स्लीपी एंड सरप्राइज, इट वॉज अर्ली फॉर देम टू। अब क्या होता है कि वो स्टार्स जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि रात का टाइम है, अब जो काउज होती हैं वो भी उसको देखती हैं, लेकिन वो भी स्लीप में थी और वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती हैं क्योंकि वो उनके लिए भी बहुत जल्दी का टाइम था, क्योंकि वो तो 4 बजे के बाद सारा काम होता है, लेकिन आज क्या है 3 बजे के ही करीब वो सारा काम हो रहा है, मिल्किंग होना, क्लीन अप होना, तो ये क्या है काउज के लिए भी बड़ा सरप्राइज था, ठीक है। देवर ऑल्सो सरप्राइज लुकिंग दिस कि आज इतना जल्दी सब ये और ये कैसे, ठीक है। तो आज हम इतना ही चैप्टर करते हैं, रिमेनिंग चैप्टर वी विल कवर टुमारो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।